दोस्तों, जंगल के रास्ते से मैं आ गया हूं और यहाँ पे एक मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मुझे नज़र आ रही है। वैसे तो प्रकृति के हर एक चीज़ जड़ी बूटियों का खजाना है, सब में औषधीय गुण कूट कूट के भरा होता है। लेकिन आज मैं एक ही प्रकार की जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबके बारे में बताऊंगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो एक वीडियो में एक ही पौधा की जो विशेष जानकारी है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, आज मैं आप लोगों को जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख सकते हो ये क्या है। आप लोग अपने क्षेत्र में भाषा में अपने हिसाब से क्या बोलते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको हमारे तरफ सिलियारी बोलते हैं और हिंदी में सफ़ेद मुर्गा, सिलियारी या फिर मोर मुर्गा, ऐसे बातें बहुत सारे नाम हैं। तो सिलियारी इसको सभी लोग जानते हैं सिलियारी के नाम से, तो मैं भी सिलियारी के नाम से आपको बता रहा हूँ। इसके जो छोटे छोटे काले काले बीज देख रहे हो, इन्हीं बीज को हमें इकट्ठा करना है, तो मैं इसी को आज तोड़ने आया हूँ। दोस्तों देख सकते हो बहुत सारा है और ये सिलियारी जो है सूख हो चुका है और इसको मैं अभी तोड़ के ले जाऊंगा। बहुत सारा लगा है यहाँ पे, ये सब आपको फ्री में मिल जाता है दोस्तों। आपके गांव देहात में होगा, आप लोग देखे होंगे, और फ्री में मिलने की वजह से कोई इसका अहमियत नहीं जानता है, गुणधर्म जानने की कोशिश ही नहीं करता है। लेकिन जो भी गुणधर्म जान लेता है सच में वह महान होता है, क्योंकि ऐसी जानकारी कोई जानना ही नहीं चाहता। अगर इसी को कोई औषधि बना के पैसे में दे दे तो पैसे वाले लोग फट से ख़रीद लेंगे। जो पैसे वाले नहीं है ना, गरीब लोग होते हैं, वो भी मतलब ख़रीद लेंगे। वो क्या है ना कि लोगों के मन में भ्रम की पट्टी चढ़ी हुई है, लोग ऐसे वनस्पतियों को तोड़ के डायरेक्टली उसका फ़ायदा लेना नहीं चाहते, उसका लाभ लेना नहीं चाहते। जबकि इनका जो भी फ़ायदा उठाएगा वह जीवन में हमेशा सुख ही पाएगा, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक दवा, प्राकृतिक नेचुरल चीज़ से बेहतर दुनिया में और कोई भी चीज़ नहीं है। भगवान ने हमारे लिए तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें पैदा किया है, तरह तरह की औषधियाँ दिया है, बस उसको जानने समझने की ज़रूरत है। तो ज़िंदगी में हमने अगर 10-20 साल पढ़ाई में लगा देते हैं तो 1-2 माह या फिर 1 साल भी अगर इसने ज़िंदगी सुधारने के लिए जो ज्ञान की ज़रूरत होती है, औषधियों को पहचानने की ज़रूरत होती है, अगर उसको जान जाओगे, सीख जाओगे, तो ज़िंदगी भर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप खुद से सब बीमारी को ठीक कर पाओगे। बस यही तो हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश के सभी लोग अपने घर में ही अपने सभी समस्या को ठीक कर लें और कोई भी किसी के पास इलाज कराने के लिए मजबूर ना हो। हर कोई इंसान जानकारी बढ़ा के अपना इलाज खुद कर सकता है, अपने परिवार को बचा सकता है, आसानी से अपने बच्चों को सिखा सकता है कि इस तरह की औषधियाँ इस तरह के काम करती है। हमें इन सब को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं समझ में नहीं आता। हम लोग इतने अच्छे अच्छे जानकारी बताते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, औषधियों के बारे से जीने खाने पीने रहने की तरीके बताते हैं। जिस तरीके को अगर हर कोई इंसान अपनाता चला जाए तो जीवन भर जितने भी दिन वह जिएगा हमेशा स्वस्थ जिएगा, किसी के पास इलाज करा के नहीं, खुद से अपने आप ही ठीक हो करके हमेशा जीता रहेगा। तो दोस्तों मैंने तो बहुत सारे ये सिलहारी तोड़ लिया है और तोड़ तोड़ के अभी भी रख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ 2-3 और तोड़ लेता हूँ, उसके बाद घर जाऊँगा। फिर इसको ना अच्छे से निकालूँगा, इसका बीज यहाँ बहुत सारा है, भंडार है, कोई इसको समझे ना समझे मैं तो तोड़ के ले जाऊँगा और रखूँगा, और जिसको भी ज़रूरत होगा उसको मैं दे दूँगा फ्री में। तो आप लोग भी अगर आपके पास है तो इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। मैंने देख सकते हो बहुत सारा कर लिया है और बाकी अगले दिन आऊँगा और बाद में इसको पूरा ना एक दिन काम करके सबको तोड़ के ले जाऊँगा। अभी फ़िलहाल आपको बताना है, दिखाना है कि इसको कैसे तैयार करना है और इसको किस तरह से खाना है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं, बहुत लगा है, फ्री का दवा है और बहुत ही अच्छी दवा है। दुनिया में दोस्तों जो भी दवा होता है फ्री में ही होता है, लेकिन सब लोग उसको मार्केटिंग के लिए ना बढ़ा चढ़ा के उसका रेट बना के बेचते रहते हैं और लोगों को लूटते रहते हैं, समझो। तो आप लोगों को इस तरह से किसी भी झांसे में नहीं आना है। शरीर के हर एक अंग की जो कार्य प्रणाली है, कार्य करने का ढंग है, सिस्टम है, उसको समझ जाओ, उसके बाद आप आसानी से अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रख सकते हो।
हर किसी समस्या से बचा सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो मैं सिलहरी का जो फूल है या फिर फल कहो या फिर जो भी समझो, इसी के अंदर बीज होता है, यही पुष्प है, यही फल है मान के चलो। तो ये मैं इतना सारा लेके आ चुका हूँ और इससे मैं अभी आपको बीज निकाल के बताऊंगा, इसके अंदर में जो बीज है उसको। तो ये काला काला दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसको ऐसे इस तरह से ना दबाओगे, सबको आपस में रगड़ोगे तो इससे काला काला बीज निकलता है। तो इस तरह से आप भी, आपके पास आपके आसपास में होगा तो ला कर के इसको ऐसे रगड़ रगड़ के निकाल के इकट्ठा कर सकते हो बहुत सारा इसका छोटा छोटा बीज। जो उपयोग करता है उसको फ़ायदा होता है, तभी तो पता पाएगा कि ये हाँ सही है, ये काम करता है कि नहीं करता है। ये पूरा टेस्टेड है, मतलब ये प्रूफ हो चुका है, साबित हो चुका है कि इसको जो भी सेवन करता है जिस विधि से मैं आज बताऊंगा, तो उसको 100% रिजल्ट मिलता है। तो ठीक है, फिर मैं इसको अब निकालता हूँ बीज को। अभी तो फ़िलहाल ये कच्चा है तो पूरा इससे झड़ नहीं रहा है, जब सूख जाएगा ना अच्छे से तो सब झड़ेंगे, लेकिन बहुत सारा निकल जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ सबको साफ करके, और इसमें बीज झड़ चुका है तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो इसको जैसे हटाया तो इसमें इतना सारा बीज निकल के आया, देख सकते हो दोस्तों। तो इसी को हमें साफ़ करके एक अच्छे से डिब्बे में रख करके इसका इस्तेमाल करना है हमेशा। तो ठीक है, मैं भर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने ये साफ़ कर लिया है और इतना सारा इसका बीज निकाल लिया है। इस तरह से चमकीले काले कलर का होता है इसका बीज, छोटा छोटा। इसको जैसे और इसमें हवा दोगे तो यह और साफ़ होता जाएगा और पूरी तरह से साफ़ होकर के एकदम से फ्रेश हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अभी इतना सा निकाला हूँ, और भी निकलेगा और बहुत सारा। तो इसको डिब्बे में रख देता हूँ, तो देख सकते हो आप लोग। इसको ऐसे ही एक ही चीज़ नहीं लेना है, इसके साथ एक और मिलाना है। वो कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक और चीज़ इसके साथ जो मिला के खाना है वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर उसको भी दिखाता हूँ आपको कि वो कौन सी दवा है। इसको मैं रख देता हूँ डिब्बे में और इकट्ठा करूँगा तो बहुत सारा हो जाएगा, और जब बहुत सारा हो जाएगा ना तो मैं इसको दूंगा किसी ज़रूरतमंद को। दोस्तों इस तरह से हमारे कोलाबाड़ी में देख सकते हो बहुत सारा तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो मैं इसको नमन कर लेता हूँ। और उसके बाद इसकी जो मंजरी है उसको मैं तोड़ के ले जाऊँगा, क्योंकि ये जो सूखा मंजरी है ना, जिसको मंजरी बोलते हैं, तो इसके अंदर भी बीज होता है, तो इससे भी हम बीज निकालेंगे। तो फिलहाल तोड़ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसे करना है। ये जितना भी मैं तोड़ रहा हूँ ना दोस्तों, ये सूखा वाला है, मतलब ये देख सकते हो कच्चा अलग दिख रहा है और सूखा अलग दिख रहा है। तो जितना भी सूख चुका है उसको मैं तोड़ तोड़ के ले जा रहा हूँ, क्योंकि सूखने के बाद वह झड़ जाएगा तो बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं तोड़ के ले जा रहा हूँ, काम आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो मैं श्याम तुलसी का मंजरी भी ले आया हूँ, इतना सारा, और भी बहुत है लेकिन आपको दिखाने के लिए काफ़ी है। तो इसको मैं रगड़ के इससे भी बीज निकालता हूँ और बताता हूँ आपको कि इसका बीज कैसा होता है। आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम लोग बनाते हैं और जानकारी आप लोगों को बताते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। इसको भी ज़रूरत हो इस तरह की तो आप अपना औषधि तैयार कर सकता है, और बहुत ही आसानी से कर सकता है। मार्गदर्शन के लिए हम लोग हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन करना खुद को पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको स्वस्थ रहना है या फिर स्वस्थ रखना है अपने परिवार को, तो करना तो खुद को पड़ेगा ही। कुछ कुछ दवा औषधि जो नहीं मिलेगी उसको हम देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देख सकते हो श्याम तुलसी की मंजरी से भी मैं बीज निकाल चुका हूँ, और इसको अच्छे से अलग कर देता हूँ। मैंने वैसे कर लिया है बहुत सारा, देख सकते हो ये बीज आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से होता है श्याम तुलसी का बीज, और इस बीज को सेठ पंसारी के यहाँ ख़रीदने जाओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है।
इसलिए आप खुद इकट्ठा करो और इस तरह से निकाल लो जिस तरह से मैं निकाला हूँ। तो देख सकते हो मैंने थोड़ी सी मेहनत में बहुत सारा बीज प्राप्त कर लिया है और आप भी इस तरह से कर सकते हो। देख सकते हो अब यह शुद्ध ऑर्गेनिक तुलसी का बीज है, यही असली श्याम तुलसी का बीज है और इस बीज का सेवन आप रोज़ाना कर सकते हो। तो देख सकते हो मैं दोनों औषधियों को एक पात्र में इकट्ठा कर लिया हूँ। अब ये दवा औषधि तैयार है खाने के लिए, इसका प्रयोग करने के लिए। तो देख सकते हो ये जो निकाला हूँ ये है तुलसी का मंजरी का बीज, माने श्याम तुलसी का बीज, और ये है सिलियारी का बीज। ठीक है, अब इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा इतना सा, मतलब एक चुटकी के बराबर, ठीक है, एक चुटकी ए रहा एक खुराक और इसमें से ए रहा एक खुराक। अब ये बन गया है एक दिन का एक खुराक। इतना सा आपको प्रतिदिन सुबह सोकर उठ के ब्रश दातुन करके खाना है खाली पेट, और कैसे खाना है, चबा चबा के अच्छे से रगड़ रगड़ के खाना है। एक भी बीज अंदर में सही सलामत नहीं पहुंचना चाहिए, उसका बारीक पेस्ट हो जाए, उसका तरल द्रव्य हो जाए मुंह के अंदर, मतलब एकदम से रगड़ के उसको पानी बना देना है, फिर उसको निगलना है और उसके बाद एक गिलास गुनगुना पानी या फिर दूध लेना है। से ग्रसित हैं तो मिश्री के साथ खाना है, आगे वाली मिश्री के साथ, या फिर आप देसी खांड जो होता है उसके साथ खाएं, या फिर आपको खाना है शहद के साथ, हल्का सा शहद, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से सेवन करने वाले व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उनके शरीर में शुक्राणुओं की कमी कभी नहीं होती, उनका शरीर वीर्य से लबालब भर जाता है और हर एक अंग का विकास होता है। मधुमेह के रोगी को एक दिन में नॉर्मल कर देता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना उनका शुगर एक खुराक में ठीक होने लगता है, एक दिन में फर्क दिख जाएगा। इसको खाने के 2 घंटे बाद आप शुगर चेक कराना, उसके बाद नॉर्मल आएगा, सच बता रहा हूँ, प्रतिदिन। लेकिन आपको सुबह खाली पेट इसे चबा के खाने के बाद पानी पीना है, गुनगुना पानी, उसके बाद 2-3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। 2-3 घंटे जब हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ फल खाना है, फल खा के दोपहर तक रहना है, दोपहर को भोजन करना है, फिर आपका शुगर कंट्रोल होगा, हार्ट अटैक की समस्या ठीक होगा, शरीर में कमजोरी रहेगी वह ठीक होगी, सप्त धातुओं का निर्माण होगा, आप हमेशा से हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनकर जियोगे, हमेशा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनकर के जियोगे। ये दोनों का बीज जब मिल जाता है तो इतना ताकतवर हो जाता है कि हर कोई उछाल मारता है, सच बता रहा हूँ, कमजोरी कोसों दूर रहता है उस व्यक्ति से। इसका सेवन बच्चे से लेके बूढ़े तक के कोई भी कर सकता है, इस तरह से जिस तरह से मैं बताया सेवन करोगे तो शुक्राणु की संख्या 15 दिन में लबालब हो जाएगी। जो नील शुक्राणु वाले होते हैं वे भी चेक करा के देख सकते हैं इसको 15 दिन खाने के बाद। शुगर एक दिन में नॉर्मल होता है दोस्तों, सच बता रहा हूँ, अगर एक खुराक खाओगे उसके बाद 2-3 घंटे बाद पचने के बाद जब शुगर चेक कराने जाओगे तो आपका शुगर नॉर्मल मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बशर्ते इसको चबाने के खाने के 1-2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है और जाना है तो फल खा के जाना है शुगर चेक कराने, फिर देखना आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। अगर लगातार ऐसे ही करोगे तो शुगर हमेशा नॉर्मल में रहेगा, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो शुगर के लोगों को और जो बुढ़ापे वाली समस्या से जूझ रहे हैं, हाथ पैर के दर्द कमजोरी से उनको, और जिनको शुक्राणु की संख्या बढ़ाना है उनको, और जिनके मुख में दुर्गंध आती है, मुख की शुद्धि नहीं हो पाती है, उनको भी चबा चबा के रगड़ रगड़ के खाना चाहिए। और जो पेशाब से संबंधित समस्या है, जिनको बार बार करने की समस्या होती रहती है या फिर पेशाब में जलन होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी इसे चबा के प्रतिदिन खाना चाहिए, क्योंकि इसको खाने से अंदरूनी ताकत बढ़ती है, अंदर से शरीर स्ट्रांग होता है दोस्तों। इसलिए इन दोनों औषधियों को ठंड के मौसम में विशेष रूप से उपयोगी है और खाना चाहिए हर किसी को। मैं तो कहता हूँ आज से ही शुरू कर दो तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो क्योंकि ये फ्री का दवा है, आसानी से मिल जाएगा और हर कोई इसको खा लेगा, फ़ायदा तो कुछ दिन बाद आप देख ही लोगे दोस्तों। मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।